चिली ऑयल की जो रेसिपी है इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ऑयल यूज करना है और कौन सा चिली यूज करना है और इसे कितने टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधांशु गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल द किंग ऑफ दोस्तों में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चिली की कि कौन सा इसमें चिली यूज होता है। हमें इसमें लेस स्पाइसी वाला चिली यूज करना है जो कि थोड़ा सा स्वीट भी हो। आप यहाँ पे बेबी चिली का भी यूज कर सकते हैं जो कि सेजवान सॉस के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे मैं कश्मीरी रेड चिली का यूज कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम चिलीज को ड्राई रोस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे 30-40 चिलीज ली है। यहाँ पे दो तरह का मैं चिली ऑयल बना के दिखाऊंगा, तो इसे हम एक साथ ही रोस्ट कर रहे हैं, ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। इसे हमें बस 2-5 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है। लीजिए 2-5 मिनट तक रोस्ट करने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से रोस्ट हो गया है। देखिए अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब इसे हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और 5 मिनट इसे ठंडा हो जाने देते हैं। तो लीजिए चिली जो है ठंडा हो गया है। अब इसका हम स्टेम जो है निकाल लेते हैं इस तरह से, और इसे हम डाल देते हैं इसमें इसे क्रश करने के लिए। तो इसे हमने रोस्ट करके फिर निकाला है स्टेम, क्योंकि ये बहुत आसानी से इस तरह से निकल जाता है। देखिए कितने आराम से ये निकल जा रहा है, अलग हो जा रहा है। इसी तरह हम सारे को अलग कर लेते हैं। अब इसे हम क्रश कर लेते हैं इसमें डाल के अच्छे से। इसमें सारा एक साथ नहीं हटाया, जितना हटे उतना क्रश करते जाएं और इसमें ऐड करते जाएं। इसे हमें ब्लेंड नहीं करना है क्योंकि हमें पाउडर नहीं चाहिए, एकदम फ्लेक्स जैसा चाहिए। इसे हम इसी तरह क्रश करेंगे इसमें, तो इसमें ऐड करते हुए हम इसमें क्रश करते रहते हैं। लीजिए हमारा अच्छे से चिली का फ्लेक्स जो है अच्छे से तैयार हो गया है, वो भी रोस्टेड वाला। तो इसे हम बाउल में खाली कर लेते हैं। इसे हम बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब बारे आती है ऑयल की कि ऑयल कौन सा यूज करें। आप यहाँ पे कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, चाहे वो पीनट ऑयल हो, चाहे वो सेसमे ऑयल हो, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रहा हूँ। ऑयल जो है टोटली आपके ऊपर है, आपकी चॉइस के ऊपर है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहा हूँ। तो पहले इसे हम हीट करेंगे ताकि इसका जो है हार्श फ्लेवर जो है निकल जाए। चलिए इसे पहले हीट कर लेते हैं। तो अब कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं और इसमें ऐड करते हैं 1 कप मस्टर्ड ऑयल। अगर आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं तो इसे सबसे पहले अच्छे से हीट कर लें जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो लीजिए तेल गर्म हो गया अच्छे से। अब इसमें हम ऐड करेंगे बारीक स्लाइस किया हुआ अनियन, इसमें हम डाल देते हैं। और इसे हमें फ्राई नहीं करना है, इसे हमें बर्न करना है प्याज को इसमें, ताकि इसका सारा फ्लेवर जो है तेल में निकल जाए। तो लीजिए प्याज अच्छे से बर्न हो गया है, प्याज को हम बाहर निकाल लेते हैं, इसकी हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। प्याज को रिमूव करने के बाद गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे 2 मिनट ठंडा हो जाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे वाइट विनेगर 1 टेबलस्पून और डालेंगे 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट और इसके बाद हम डालेंगे क्रश किया हुआ रेड चिली। इसको मैंने हाफ में डिवाइड कर लिया है, हाफ मैंने यूज़ करूँगा यहाँ पे और हाफ जो है सेकेंड स्टेप में हम यूज करेंगे। इसे हम ऐड कर देते हैं, ऐसे डाल के हम अच्छे से चला देते हैं। तो इसे अच्छे से चला दें और इसे कम्प्लीटली ठंडा हो जाने दें। उसके बाद इसे हम किसी ग्लास कंटेनर में इसे खाली करेंगे। तो चलिए इसे साइड रख देते हैं और बनाते हैं अपना सेकेंड चिली ऑयल। अब फिर से कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं और इसमें फिर से हम ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल 1 कप। इसे अच्छे से हीट हो जाने देते हैं जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे 2-3 मिनट ठंडा हो जाने देंगे। तो चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। 2-3 मिनट ठंडा हो जाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे डार्क सोया सॉस 1 टेबलस्पून और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर और डालेंगे 1/2 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक 1/2 कप और बचा हुआ रोस्टेड चिली फ्लेक्स इसमें हम ऐड कर देते हैं और सारा डाल के एक बार अच्छे से चला देते हैं, इसे मिक्स कर देते हैं इसमें।
इसे अच्छे से मिक्स कर दें, उसके बाद इसे कम्प्लीटली ठंडा हो जाने दें, फिर उसके बाद इसे किसी ग्लास कंटेनर में खाली करेंगे। चलिए इसे साइड रख देते हैं ठंडा हो जाने के लिए। लीजिए, तैयार है हमारा चिली गार्लिक ऑयल, इसे हम यूज़ करेंगे ठंडा हो जाने के बाद। आप यहाँ पे मार्केट वाला चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि वो रोस्टेड हो और थोड़ा सा लेस स्पाइसी हो। तो आप यहाँ पे मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, या आप जो भी सूटेबल पड़े आपको चिली आप वो ले सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारा रोस्टेड चिली ऑयल एंड रोस्टेड चिली गार्लिक ऑयल। अब बारी आती है इसे कितना टाइम तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आप इसे 2 से 3 मंथ आराम से यूज़ कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में रख के। ध्यान रहे इसे आप जो है ग्लास जार में ही रखें। तो चिली ऑयल को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और किस किस रेसिपी में यूज़ किया जाता है, इसकी मैं बहुत सारी रेसिपी लेके आने वाला हूँ। तो चैनल पे जरूर से जुड़े रहें और एंजॉय करें चिली ऑयल की रेसिपी।